हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग NPTEQ के प्रिपरेशन सीरीज में लिंक्ड लिस्ट और सॉर्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और वी विल सी कि लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर पाइथन में गिवन है तो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये गिवन है कि एक लिंक्ड लिस्ट है और एक कोड गिवन है, उसको वो कोड क्या परफॉर्म करता है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए। तो मेरे पास एक फन फंक्शन है जिसमें हेड और एन पास्ट है। यहाँ पे एन की जो इनिशियल वैल्यू है वो 5 है और हेड इस लिंक लिस्ट के, लेट से एच का मतलब हेड है, तो इस 1 वाले नोड पे हेड है इनिशियली। हमने एक टेम्प ले लिया, लेट से टी है, और वो भी हेड पे ही है, इसका मतलब कि टी और एच दोनों उस नोड पे हैं जो कि पहला नोड है। तो अगर हेड नन होता तो हम रिटर्न कर जाते, लेकिन अभी हेड नन नहीं है, हेड तो एक वैलिड नोड पे है, तो आई की वैल्यू 1 ले लेते हैं, इनिशलाइज कर लेते हैं, और जब तक आई की वैल्यू एन से छोटा है तब तक हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो 1 <5>, इसका मतलब हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन ये कर रहा है कि हमारा जो नोड है उसका डेटा हम रिसीव कर रहे हैं गेट डेटा फंक्शन से। तो जो टेम्प है उसका गेट डेटा हमने किया, इसका मतलब है कि 1 वैल्यू हमें मिली, तो वैल्यू नाम के वेरिएबल में हमने 1 लिख लिया। फिर इसके बाद टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट का मतलब यह है कि टेम्प हमारा नेक्स्ट नोड पे चला जाता है, तो टेम्प हमारा इस नोड पे चला गया। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हेड में डेटा वैल्यू सेट कर रहे हैं, वैल्यू मतलब कि 1 वैल्यू सेट कर दे रहे हैं, तो हेड में ऑलरेडी 1 था, हम एक बार फिर से 1 सेट कर देते हैं, और आई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देते हैं जिससे आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर 2 इज नॉट लेस देन 5, तो ये फिर से लूप चलेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो करंट नोड है उसका डेटा ले लेते हैं, करंट टेम्पररी नोड का जो डेटा ले लेते हैं वो वैल्यू में ले लेते हैं, तो इसका मतलब वैल्यू में 4 आ गया। फिर टेम्पररी को या टेम्प को मैं नेक्स्ट नोड पे शिफ्ट कर देता हूँ और हेड में डेटा वैल्यू वैल सेट कर देता हूँ, इसका मतलब कि हेड में पहले 1 है और इस हेड में मैं 4 सेट कर देता हूँ। फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 3 कर देते हैं, 3 इज लेस देन 5, इसका मतलब फिर से लूप हमारा चलेगा। जो टेम्पररी नोड है उसमें जो डेटा है उसको हम वैल्यू में लेते हैं, इस केस में 6 है वैल्यू, तो हमने 6 ले लिया इस वैल्यू को यहाँ पे, और 6 वैल्यू लेने के बाद टेम्पररी को आगे शिफ्ट कर दिया इस वाले नोड पे, एंड देन उसके बाद हेड में डेटा वैल्यू सेट कर रहे हैं 6। आई की वैल्यू को एक बार फिर से इंक्रीमेंट करते हैं, 4 होता है, 4 इज लेस देन 5, एक बार फिर से मेरा लूप चलेगा, और टेम्पररी नोड का डेटा वैल्यू 7 है, उसको हम वैल में लेते हैं, वैल नाम के वेरिएबल में, टेम्पररी को आगे शिफ्ट कर देते हैं नेक्स्ट नोड पे और हेड में एक डेटा वैल्यू सेट करते हैं 7, तो अब हेड में 6 की जगह 7 आ गया। तो करेंटली मैं कहाँ, जो लिंक्ड लिस्ट है मेरी कैसी है, 7 4 6 7 और 9, जिसमें टेम्पररी यहाँ पे है और हेड यहाँ पे है। अब आई की वैल्यू 5 हो गई है, 5 इज नॉट लेस देन 5, तो इसका मतलब लूप टर्मिनेट होगा। ये वाला लूप टर्मिनेट होने के बाद हेड का डेटा हम टेम्पररी 1 में लेते हैं, एक नया वेरिएबल है, टेम्पररी 1 में हमने हेड का डेटा ले लिया 7, और टेम्प के डेटा में हमने टेम्पररी 1 सेट कर लिया, इसका मतलब कि जो जो लास्ट नोड है उस लास्ट नोड के डेटा में हमने 7 सेट कर लिया। तो अब हमारी लिंक्ड लिस्ट हो गई 7 4 6 7 7, तो 7 4 6 7 7 इज दी बी एंड दैट इज दी करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि हमारे पास एक लिंक्ड लिस्ट है इनिशियली 1 2 3 4 5 6, इस फंक्शन को हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसके बाद हमें बताना है कि लिंक्ड लिस्ट में क्या होगा। तो हेड नन नहीं है तो हमें आगे चलना है, हेड तो एक वैलिड नोड पे है, हेड हमारा 1 पे है, तो हमें क्या करना है कि प्रिंट हेड डॉट डेटा करना है। तो हेड का डेटा 1 है जिसको हम प्रिंट कर देते हैं। फिर हेड डॉट नेक्स्ट अगर नन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि हेड अगर 1 पे है तो उसके नेक्स्ट एक वैलिड नोड है, तो इसी फंक्शन को हमें कॉल करना है। लेकिन इसी फंक्शन में क्या एड्रेस पास करना है, हमें पास करना है हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो हेड का नेक्स्ट ये नोड हुआ और हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट ये नोड हो गया, तो 3 वाले नोड का हमें एड्रेस पास करना है, और 3 वाले नोड का एड्रेस हम पास करेंगे और उसके बाद फिर इसको प्रोसेस करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ये वाली लाइन हमारी छूट गई, इसका मतलब कि जब सारे कॉल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसको प्रिंट करेंगे हेड के डेटा को।
तो हेड के डेटा को प्रिंट करने के लिए एक बार हेड के डेटा को हम स्टैक में डाल लेते हैं या फिर स्टैक में सेव कर लेते हैं। नाउ उसके बाद हम क्या करते हैं कि हेड को 3 वाले एड्रेस के साथ, मतलब इस एड्रेस के साथ फिर से ऑपरेट करते हैं, और हेड नन नहीं है। चूंकि हेड नन नहीं है इसलिए हम हेड के डेटा को प्रिंट करते हैं, हेड का डेटा मतलब 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर हेड का नेक्स्ट नन नहीं है, 4 वाला नोड तो नल नहीं है, तो फिर से हम फंक्शन को कॉल करते हैं विद द एड्रेस हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट, इसका मतलब हेड यहाँ आ जाएगा। सो हेड का यहाँ पे है, लेकिन ये वाली लाइन छूट गई है, इसमें हमें डेटा प्रिंट करना होगा, तो इसको हम सॉरी 3 जो है इसको हम सेव कर लेते हैं, ताकि हम जब फंक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसको प्रिंट कर लेंगे। एंड देन हम क्या करते हैं कि 5 वाले के नोड के साथ, एड्रेस के साथ इसको कॉल करते हैं, हेड नन तो नहीं है, तो हम हेड का डाटा प्रिंट करते हैं, मतलब 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर हेड डॉट नेक्स्ट भी नन नहीं है, हेड डॉट नेक्स्ट 6 वाला नोड है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे। फंक्शन को कॉल करेंगे तो हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट यहाँ है और इसका नेक्स्ट नन हो जाएगा। तो नन वैल्यू के साथ हमने इस फंक्शन को कॉल किया, लेकिन ये वाली जो लाइन है वो हमारी सेव कर लेते हैं क्योंकि अभी प्रिंटिंग नहीं हुई है। तो चूंकि हेड नन है इस कॉल में, इसलिए हम रिटर्न करेंगे तो 135 पहले से प्रिंट हो चुका था, अब स्टैक वाली जो वैल्यूज उनको भी प्रिंट कर देते हैं, ये 5, ये 3 और ये 1। तो अब अगर हम देखें कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है, 1355 31, दिस इज दी ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास एक मर्ज सॉर्ट फंक्शन है, और इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन को जब हम परफॉर्म करते हैं तो कमेंट लाइन को क्या रिप्लेस होना चाहिए। तो मर्ज सॉर्ट फंक्शन में आपको ये पता है कि अगर लो लेस देन हाई होता है तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और जो पहला जो पार्ट होता है वो होता है मर्ज सॉर्ट लो से मिड तक, और दूसरा पार्ट जो होता है वो मिड प्लस वन से हाई तक रेंज करता है। और उसके बाद जब ये जो दोनों फंक्शन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हम मर्ज ऑपरेशन कॉल करते हैं। तो मर्ज ऑपरेशन ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट मर्ज सॉर्ट गिवन है, सेकंड मर्ज सॉर्ट मिसिंग है, तो ये सेकंड वाला मिड प्लस वन से हाई तक होगा, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ स्वैपिंग्स नीडेड टू सॉर्ट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द बबल सॉर्ट। तो स्वैपिंग कितनी रिक्वायर्ड होगी ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 8, 22, 7, 9, 31, 5 और 13। 822 में कोई स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि प्रीवियस नंबर लार्ज नहीं है, 22, 7 को हम स्वैप कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 और 22। फिर 22 और 9 के लिए हम 22 और 9 को स्वैप कर देंगे तो अभी तक दो स्वैपिंग्स हुई हैं। फिर 22, 31 में कोई स्वैपिंग नहीं होगी, 31, 5 में हम स्वैप कर देते हैं, 31, 13 में हम स्वैप कर देते हैं, तो अभी तक हमारे पास कितनी स्वैपिंग्स हुई हैं, टोटल 4 हुई हैं। तो हम नंबर को फ्रेश लिख लेते हैं, 8, 7, 9, 22, 15, 13 और 31। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, 8 और 7 के बीच में स्वैपिंग हो जाएगी, तो यहाँ हो गया 7 और यहाँ 8 आएगा। फिर 8 और 9 में स्वैपिंग नहीं होगी, 9 और 22 में भी स्वैपिंग नहीं होगी, 22 और 15 में स्वैपिंग होगी, फिर 22 और 13 में स्वैपिंग होगी, और 22 और 31 में स्वैपिंग नहीं होगी, 6 स्वैपिंग्स हो गई। फिर इसके बाद 7, 8 में कोई स्वैपिंग नहीं होगी, 8, 9 में भी स्वैपिंग नहीं होगी, 9, 15 में भी नहीं होगी, 15, 13 में होगी, 15, 22 में नहीं होगी, और 22 और 31 में भी नहीं होगी, तो टोटल 7 स्वैपिंग्स हो गई। वैसे जो हमारा बबल सॉर्ट है इसको हम इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एक और स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या कोई स्वैपिंग्स रिक्वायर्ड है इसमें। क्योंकि इस स्टेप में कोई स्वैपिंग रिक्वायर्ड नहीं है तो हम अपने बबल सॉर्ट को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारी स्वैपिंग्स हो रही हैं वो हो रही हैं 7। इसमें से ऑप्शन कोई मैच नहीं करता, कोई बात नहीं, बट टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग्स हमारी 7 हो रही है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन इट्स टिपिकल इंप्लीमेंटेशन गिव्स बेस्ट परफॉर्मेंस व्हेन अप्लाइड ऑन एरे विच इज सॉर्टेड और ऑलमोस्ट सॉर्टेड। तो अगर हमारा एरे सॉर्टेड है या ऑलमोस्ट सॉर्टेड है तो उस केस में इंजर्शन सॉर्ट हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर एरे सॉर्टेड है तो क्विक सॉर्ट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम देगा,
मर्ज सॉर्ट में कोई चेंज नहीं होता, आप किसी भी नेचर का नंबर दे दें, और सिलेक्शन सॉर्ट में भी एन स्क्वायर ही कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो केवल इंजर्शन सॉर्ट ऐसा है जो कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम दे सकता है अगर एक या एक एक या दो एलिमेंट ही मेरे मिसप्लेस्ड हो। तो बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम इस केस में है इंजर्शन सॉर्ट। एक क्वेश्चन जनरल एक क्वेश्चन ये पूछा गया था इन्फिटी क्यू में, इसमें ये कहा जा रहा है कि 54 रुपीज़ का चेंज जनरेट करना है हना को, और उसके पास जो नोट्स हैं वो 1, 5, 10 और 20 के हैं। ग्रीडी मेथड अप्रोच लगा के आपको ये फाइंड आउट करना है कि 54 रुपीज़ का चेंज कैसे जनरेट होगा, या कितने उसको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए ग्रीडी अप्रोच अगर आपको अप्लाई करना है, तो ग्रीडी अप्रोच क्या करता है कि करंट में जो बेस्ट सोल्यूशन दिखता है उसके हिसाब से सोल्यूशन फाइंड करता है। तो करंट में बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम उसको नोट्स चाहिए 54 रुपीज़ का निकालना है, और उसके पास जो नोट्स अवेलेबल हैं वो है 1, 5, 10 और 20 का। तो अगर आप बेस्ट देखें तो कम से कम नोट्स अगर आपको पिक करने हैं तो 20 रुपीज़ का चेक कर लीजिए, या सबसे बड़ा वाला, तो 20 रुपीज़ का एक नोट आ गया आपके पास, माइनस कर दीजिए 20, और आपके पास 34 है, एक 20 रुपीज़ का और ले लीजिए। ओके, अगर आप एक 20 रुपीज़ का और ले लेंगे तो 2 20 रुपीज़ के आपने नोट्स पिक कर लिए, अब आपके पास 14 रुपीज़ बचे। तो 14 के लिए आप नेक्स्ट बेस्ट हमारा 10 वाला है, तो 10 वाला 1 नोट सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपके पास बचा 4 वाला, तो अब 4 वाला है तो 5 वाला तो ले नहीं सकते, तो अब आप 1 वाला ले लीजिए। तो 1 वाला आप एक एक करके ले लीजिए, 4, तो 4 नोट्स एक एक वाले ले लीजिए। तो 2 नोट्स ऑफ 20, 1 नोट ऑफ 10 एंड 4 नोट ऑफ 1, या कॉइन्स जो हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉइन है, आई एम सॉरी मैंने नोट बोला, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो करंट में आपको जो बेस्ट दिख रहा है सोल्यूशन, उसके हिसाब से आप अपने ऑप्शन पे जाइए। नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन ये कहा रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सीरीज का। इस क्वेश्चन में हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ अल्गोरिथम्स हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से बेस्ट अल्गोरिथम कौन सी है और पुअरेस्ट अल्गोरिथम कौन सा है। तो अगर हम फर्स्ट पे देखें, तो फर्स्ट इज एन स्क्वायर प्लस एन लॉग एन, और ये जो सेकंड है वो है एन स्क्वायर प्लस 2 × n³। ये जो एल्गोरिथम है वो ये कह रहा है कि लॉग एन प्लस 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस फैक्टोरियल n, और लास्ट एल्गोरिथम मेरी लॉग एन है। तो इन सब में आपको ये दिख ही रहा होगा कि लॉग एन जो है वो बेस्ट है। अच्छा, बाकी को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस थर्ड वाले को कंपेयर करते हैं। इसमें फैक्टोरियल n का फैक्टर आ रहा है, फैक्टोरियल n मतलब n रेस्ट टू द पावर n। ये कैसे n रेस्ट टू द पावर n है? फैक्टोरियल n को आप लिख सकते हैं n(n-1)(n-2)(n-3)। तो हर टर्म में n आ रहा है, तो ये n रेस्ट टू द पावर n होगा। तो n रेस्ट टू द पावर n ऑब्वियसली इस एन स्क्वायर वाले से तो ज्यादा ही होगा, तो ये n रेस्ट टू द पावर n है। और एक और चीज है इसमें कि 2 रेस्ट टू द पावर n है, इसका मतलब कि एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, ये देखते हैं, इसमें ये कह रहा है कि एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब वाला फैक्टर है, इसका मतलब कि एन क्यूब है यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब इसमें लिख सकते हैं हम। ठीक है, इस वाले को हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 2 रेस्ट टू द पावर n या ऑर्डर ऑफ n रेस्ट टू द पावर n। अगर मुझे ये पता है कि ऑर्डर ऑफ n रेस्ट टू द पावर n बड़ा है, तो ऑर्डर ऑफ n रेस्ट टू द पावर n लिख लेते हैं। जो पहला वाला है उसमें है कि एन स्क्वायर प्लस एन लॉग एन, तो इसमें एन स्क्वायर जो है वो डोमिनेटिंग है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एल्गोरिथम 4 जो है वो सबसे अच्छी एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम 4 सबसे अच्छी एल्गोरिथम है, फिर एल्गोरिथम 1 जो है उससे थोड़ी सी पुअर है, एल्गोरिथम 2 जो है वो उससे पुअर है, और एल्गोरिथम 3 जो है वो सबसे पुअर एल्गोरिथम है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करता है? ऑप्शन ए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर द NPTQ एग्जाम्स।